मिला। क्या तो देवर, जब मैं स्कूल से पढ़कर आ रहा था, अच्छा मैंने तुम्हारे साथ में किसी गहरे मर्द को बात करते देखा, वो कौन था? मेरे महल में देवर जी, मेरे महल में कोई नहीं था। और कौन था तुम्हारे साथ में? मेरे साथ में, मेरे साथ में तो मेरी दासी थी। झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ। तुम्हारे साथ में कोई मर्द था? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इनसे पूछ लो, नहीं तो देख लो। कौन था? बिल्कुल कोई नहीं था। तुम बता रही दासी थी? हाँ। उस दासी को बुलाओ, मैं पहचान लूंगा, मैंने दूर से देखा था। दासी को बुलाओ। बुलाइए दासी। ये बिल्कुल, ये आपके साथ में थी? हाँ। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है भाभी। वो तो कोई मर्द था। अच्छा, मैंने किसी मर्द को देखा है। मर्द को देखा था? मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन था? सुन ले तो, वो तेरे भाई का दोस्त था। मेरे भाई का दोस्त? यू बैठा। ये मेरे भाई का दोस्त? हाँ। मैंने कभी महल में आज तक भाई के साथ में दरबार में आते जाते नहीं देखा। अच्छा, तो आप कैसे दोस्त बता रही हैं? जब तो तू छोटा सा था। मैं छोटा था? हाँ। तू इतनी बड़ी थी? बिल्कुल। तो मेरी बात सुन ले भाभी, अपनी बात या तो सच सच बता दे, वरना भरे दरबार में जाकर क्या भाई भाई को कहूंगा कि हमारी पिंगला भाभी कुल कलंकनी हो चुकी है, गैर मर्द के साथ में इश्क लड़ा रही है। अच्छा, मेरी बात सुन, तू अपने भाई से कहूंगा? बिल्कुल कहूंगा। एक काम कर, तो तू और तेरा भाई मेरी पूछ पाड़ लो, ना बताती। तेरे पूछ भी है? तो मेरी बात सुन ले भाभी। क्या मेरी बात सुन ले? तो बंदरिया भाभी तेरे पे कोई करे भाखड़ा, बाजरी भाभी तेरे पे कोई करे भाखड़ा बात। बचपन में पढ़ाई तेरे, बचपन में पढ़ाई तेरे भाई के साथ, भाभी तेरे कोई करे भाखड़ा बात, भाभी साथ बचपन में पढ़ता था। हाँ। तो उसका नाम का भी आपको मालूम होगा? बिल्कुल पता है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है वो? सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले पहले। Oh,
कहिए भाभी तेरी जो बुद्धि है ना इस पे पर्दा डला हुआ है भाभी। पर्दा मेरी बुद्धि पर नहीं बल्कि तेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ है क्योंकि आज जो मेरे देव का समान भाई को धोखा दे रही है अच्छी है? इसी गैर मर्द के साथ में इश्क लड़ा रही है। मैं समझ नहीं सकता कि ऐसे खानदान की ओर तू ऐसा नीच क्रम भी कर रही है। सुन ले मेरी बात की कोशिश मत करो मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा बच्चा ना तू आप अपने यार को मेरे भाई का यार बता रही है। बिल्कुल भाभी भाई का यार नहीं बल्कि तेरा यार मुझे लग रहा था। यू कटेगी 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 है तो कह दे मेरी बात सुन ले भाभी। मैंने हमेशा तुझे देवी के रूप में देखा अपनी माँ के रूप में देखा लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तू इतना खोटा कर्म भी कर सकती है। मेरी बातों से मुझे पेट भरना चाहती है मंत्री जी। एक मिनट बस एक मिनट की बात से लास्ट कर ली है उसके बाद तुम्हारा डांस भी हो गया। एक तो सुन ले भाभी मेरा बैठ जाइए बैठ जाइए।